हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिना किसी एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हम एक फ़ोन के अंदर दो व्हाट्सएप, दो फेसबुक मैसेंजर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आपने अलग से कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, सिर्फ आपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन कर देना है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा, आइए देखते हैं। आपने जाना फ़ोन की सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना, वहाँ पे आपने ड्यूल मैसेंजर टाइप कर देना है। ड्यूल मैसेंजर टाइप करने के बाद आपको इस तरह से आइकन नीचे आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैं व्हाट्सअप यूज़ कर रहा हूँ, व्हाट्सअप के अंदर मैंने ड्यूल मैसेंजर में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा मैं दो व्हाट्सअप मेरे कहाँ हैं। अब मुझे अगर फेसबुक के दो अकाउंट यूज़ करने हैं, तो एक मेरा ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ फेसबुक पर क्लिक कर दूंगा, ये मेरा फेसबुक इंस्टॉल हो जाएगा, सेकेंड मेरा इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये दोनों कहाँ मिलेंगे, कि एक मेरा फेसबुक ये रहा और जो दूसरा मेरा फेसबुक वो यहाँ मिलेगा। जो भी सेकंड वाला आइकन होगा उस पर ये येलो कलर के दो डॉट बने होंगे, यानी कि ये आपके दो ये आपका सेकंड ऐप है। ऐसे मैं आपको व्हाट्सअप दिखाता हूँ, एक व्हाट्सअप मेरा ये रहा और दूसरा व्हाट्सअप मेरा ये नीचे की तरफ रहा, इसमें दिख जाएगा। तो आप बिना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए आप इस तरीके से एक फ़ोन के अंदर दो व्हाट्सएप, दो फेसबुक, दो मैसेंजर आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। आगे भी मैं ऐसी बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।